अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एलोवेरा शैम्पू बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपके बाल सिल्की, शाइनी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। फ्रेंड्स, बाल हमारी शख्सियत का एक अहम हिस्सा है, अगर ये खूबसूरत हो तो हमारी शख्सियत बहुत अच्छी दिखती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको बरवक्त मिल सके। फ्रेंड्स, एलोवेरा शैम्पू बनाने के लिए एलोवेरा लीव्स को धो के साइडों से कट कर लेंगे, फिर इसके लीव्स को पील ऑफ करके इसका गूदा अलग कर लेंगे और एक ग्राइंडर जार में डाल के इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। फिर एक स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। एलोवेरा शैम्पू बनाने के लिए हम एक बाउल लेंगे और इसमें हाफ कप एलोवेरा जूस को डालेंगे और हाफ ही कप हम इसमें शैम्पू बेस डालेंगे। ये पंसार स्टोर से 400 में हाफ केजी इजीली मिल जाती है। अब हम एलोवेरा जूस और शैम्पू बेस को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। शैम्पू बेस थोड़ी हार्ड होती है और मिलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। इसके बाद हम हाफ ही कप इसमें पानी शामिल करेंगे और इन तीनों अज्जा को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे कि ये एक जान हो जाए। इसमें हम एलोवेरा का कलर देने के लिए 1/4 टीस्पून ग्रीन कलर शामिल करेंगे। ग्लिसरीन हमारी स्किन और बालों के लिए एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है, हम इसमें 2 टेबलस्पून शामिल करेंगे। और 2 विटामिन ई के कैप्सूल्स शामिल करेंगे। अब हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। हमारा एलोवेरा शैम्पू तैयार हो गया है। इसके बाद हम शैम्पू को एयर टाइट जार में डाल के स्टोर कर लेंगे। ये शैम्पू 3 मंथ्स तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि एलोवेरा जूस से हमने केमिकल फ्री शैम्पू कितना अच्छा तैयार कर लिया है और इसकी कितनी ज़्यादा झाग है। आप भी इस शैम्पू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।